हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे हिस्ट्री ऑफ ऑयल लैंप्स, जिसे हम लोग दिया कहते हैं। आप जानेंगे कि कैसे दिया का खोज किया गया था, कई हजारों साल पहले इसका खोज किया गया था और किस तरह के दिए उस वक्त बनाए जाते थे। सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में, तो ये वीडियो को अंत तक देखिए। और तो और लास्ट में आपको ये भी पता चलेगा कि दिया का इम्पोर्टेंस हमारे भारत में क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है ये, तो चलिए कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखते हैं। जब कुछ खोजकर्ता किसी विशेष खोज पर गए थे, तब उनको वहां पर एक कर्व्ड स्टोन लैंप मिला जो कि 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व का था, मतलब लगभग 10,300 साल पुराना। और ये बात उन रिसर्चर को कार्बन डिटेक्ट टेस्ट से पता चला था। सबसे पहला और पुराना स्टोन ऑयल लैंप 1940 में मिला, जो कि लेस्कॉक्स के एक गुफा में मिला था। वो लगभग 10,000 से 15,000 साल पुराना पत्थर था। आमतौर पर यह माना जाता है कि हैंडमेड ऑयल लैंप की विकास या फिर खोज सबसे पहले कटोरे के शेप में किया गया था, फिर उसके बाद सॉसर के शेप में, और उसके बाद नोजल शेप में किया गया था या फिर बनाया गया था। कैलियोलिथिक एज, जिसे हम लोग कॉपर एज भी कहते हैं, उसकी शुरुआत 4500 से 3300 बीसी तक था। सबसे पहला रेड पोटरी ऑयल लैंप कैलियोलिथिक एज, जिसे कॉपर एज कहते हैं, उसमें बनाया गया था और इसका शेप गोल कटोरे के जैसा था। ब्रॉन्ज एज, जिसकी शुरुआत 3200 से 1200 बीसी तक था। ब्रॉन्ज एज के लैंप्स कटोरे के समान पहियों के जैसे होते थे और इसमें स्लाइटली 4 पिंच होते थे। फिर बाद में सिर्फ 1 पिंच वाले लैंप बनाए गए, जो कि अलग अलग शेप और साइज के मिलने लगे और बनाने लगे थे। इंटरमीडिएट ब्रॉन्ज एज, जिसकी शुरुआत 2300 से 2000 बीसीई तक था। इस टाइम पीरियड के लैंप्स 4 पिंच के होते थे और लैंप्स का बेस टोटली फ्लैट होता था, जिससे लैंप में स्टेबिलिटी बनी रहती थी। और इस लैंप को जलाने के लिए जो ऑयल का इस्तेमाल किया जाता था, वो या तो फिश का होता था या फिर एनिमल्स ऑयल होते थे। मिडिल ब्रॉन्ज एज के लैंप्स भी 4 पिंच के होते थे, जिसमें कि बाद में डेवलप होके वो 1 ही पिंच का रह गया। और इसी बीच पोटर्स व्हील को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका काम था लैंप्स को बनाना विथ डिफरेंट शेप और साइज, और जो शेप और साइज होते थे वो यूनिफॉर्म होता था। हैंडमेड में प्रॉब्लम हो जाता था कभी कभार, लेकिन ये मशीन था एक पोटर्स व्हील, जिससे कि जितने भी लैंप्स बनते थे, दिए बनते थे, वो एक ही शेप और साइज के बनाए जाते थे, जो कि बहुत हेल्पफुल साबित हुआ। आयरन एज, जिसकी शुरुआत 1200 से 560 बीसी तक था। आयरन एज में लैंप्स की बनावट में काफ़ी बदलाव आया, जैसे लैंप की चौड़ाई, गहराई और लंबाई तीनों ही बदल गई, और तो और डिफरेंट डिफरेंट शेप और साइज के भी आने लगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिखते थे और बहुत बिक्री भी हुआ। ग्रीक लैंप की बनावट थोड़ी सी अलग थी। पहले के सभी लैंप्स की सरफेस ज़्यादा होती थी और वो खुली होती थी, लेकिन ग्रीक लैंप में ऐसा नहीं था। उसकी बनावट में सरफेस एरिया भी कम था, और तो और वो पूरा कवर्ड होते थे, बस एक ही पॉइंट होल होता था जिसमें से आग निकलती थी, दिया जलता था, और इसे प्योर भी माना जाता था। और ज़्यादातर लैंप्स, ग्रीक लैंप्स, वो हैंडल लेस होते थे, उसमें कोई हैंडल नहीं होता था। अर्ली रोमन एरा के ऑयल लैंप्स प्रोडक्शन को इटली में शिफ्ट कर दिया गया एज अ मेन सोर्स ऑफ सप्लाईज। फिर धीरे धीरे मॉडल ऑयल लैंप का यूज हुआ और फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर लैंप का प्रोडक्शन किया गया। लेट रोमन लैंप हाई इंपेरियल टाइप के थे। हाई इंपेरियल का मतलब होता है राउंडेड और डिफरेंट टाइप्स के नोजल्स के बने होते थे, जिसके कारण इसे डेकोरेशन में ज़्यादा यूज करने लगा और इसकी प्रोडक्शन भी लोकल में होने लगी, और तो और लार्ज स्केल पे इंपोर्ट भी होने लगा। फिर बाद में मल्टी नोजल्स के लैंप्स बनने लगे, और वो भी डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज के साथ और प्रोडक्शन किया जाने लगा, जिसमें कि कुछ मेढक शेप के भी थे, और तो और किडनी और हार्ट शेप के भी ऑयल लैंप्स बनाए जाने लगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस और पॉपुलर हुआ उस वक्त में। और इसी तरह के कई लैंप्स बनाने लगे, जैसे कि अर्ली क्रिस्टीन और लेट एंटीक्वी लैंप, बाइजेंटाइन लैंप, अर्ली इस्लामिक लैंप और इंडस्ट्रियल एज लैंप। अब हम जानेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ऑयल लैंप्स इन इंडिया, हमारे भारत में क्या महत्व रखता है दियों का। वैदिक टाइम पीरियड के दौरान हर घर में किसी न किसी रूप में आग को जलाकर रखा जाता था, और जब भी कोई एक जगह से दूसरे जगह, मतलब नई जगह पे जाते, तो अपने साथ आग को किसी न किसी फॉर्म में रखते ही थे। और इसी तरह से धीरे धीरे
धीरे ये सब चलता रहा। बाद में ऑयल लैंप्स जिसे हम लोग दिया कहते हैं उसका इस्तेमाल हर घर और धार्मिक स्थानों पर होने लगा। कई वर्षों से अलग अलग रीति रिवाजों में आज भी तेल के दियों का इस्तेमाल सजावट या फिर रोशनी के लिए किया जाता है। जैसे उस टाइम पे राजा महाराजा किसी न किसी व्यक्ति के कामों से खुश होकर के दान दिया करते थे, उसी तरह से वैदिक टाइम पीरियड में भी कई लोग दियों को दान में दिया करते थे, जिसे एक अच्छा दान माना जाता था। जब नवविवाहित घर को आते तब उनके हाथों में जलते हुए दिए दिए जाते, क्योंकि तभी ये माना जाता था ऐसा करने से मन में बुरा विचार और बुरी शक्ति आसपास नहीं आती। हजारों साल पहले दिए पत्थर या फिर समुद्र के जीव सी सेल से बनाए जाते थे। धीरे धीरे डेवलप होने के बाद दिए मेटल के बनने लगे और रामायण और महाभारत काल के समय में दिए जो थे वो सोने या फिर चांदी के होते थे। सालों पहले भारत में सभी लोग त्योहारों पे या खुशियों में सजावट के लिए दियों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज के इस मॉडर्न एज में लाइट प्रोडक्शन इतनी ज्यादा होने लगी है जिसके कारण दिए विलुप्त हो रहे हैं। लेकिन भारत के कुछ गाँव में आज भी दियों का इस्तेमाल सजावट के लिए किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। होप आपको ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत नॉलेजेबल लगा होगा। तो इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।